असल में बात यह है जी कि मेरा इसी मौजू पर बड़ा इख्तलाफ भी चलता रहा 20-25 साल से, बल्कि अब भी चल रहा है। तो एक शरफ़े नसबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सादात का शरफ है उसमें कोई उनका शरीक नहीं है। वो अल्लाह ताला सिफात की हैसियत से भी अल्लाह अता फरमाए, सिर्फ खून की हैसियत नहीं बल्कि हसब और नसब की वजह से भी। हसब तो खून, नसब तो खून हुआ, हसब सिफात हैं। अल्लाह सिफात भी दे और नस्बत भी दे खून की, तो वो जो है वो ठीक है, उसमें उनका कोई शरीक नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है, आपकी साहबजादी का खानदान है। लेकिन कुरान मजीद में जो मुहर्रम जो हराम रिश्ते हैं उनकी तफसील मौजूद है। कुरान और सुन्नत में ऐसा कोई वाज़े हुक्म नहीं है कि जिसमें सैयदा का निकाह गैर सैयद के साथ ममनू हो, नाजायज हो, हराम हो, जबकि सैयदा खुद चाहती हो कि मेरा फलां शख्स से निकाह हो जाए, और वो अगर खुद राजी है, उसके औलिया भी राजी हैं, और अगर औलिया नहीं भी राजी और खुद वो राजी है, तो वो हुर्रा मुकल्फा जो है वो अपने निकाह का खुद हक रखती है, वो कर सकती है, शरण ये कोई ममनू नहीं है। लेकिन बेहतर है सादात के लिए कि वो अपने खानदानों में ही रिश्ता करें, और बेहतर है कि अपने खानदान से बाहर न करें। और अगर कोई मजबूरी है तो इसके लिए जो लोग कहते हैं कि ये शरण रिश्ता हराम है, नाजायज है, ये सब फ्राड है, शरीयत मैं भी जानता हूं और मैं एक सैयद घराने का फर्ज हूं, लेकिन मैं नसब से ऊपर शरीयत को समझता हूं। नसब नीचे है, कुरान और सुन्नत का मकाम ऊपर है। हम सब बराबर हैं, मुसलमान भाई हैं, और अगर कोई शख्स अपने तौर से करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि अगर सादात को, सैयदात को, सैयदजादियों को रिश्ता मिल सकता है अपने खानदान में, तो बेहतर है वहां करें, और अगर नहीं तो जहां वो चाहें, उनकी मर्जी है, वो कर सकती हैं। वो नसब साबित होगा, हलाल होगा और निकाह जायज होगा। और जो फिर ये गुजारिश भी है कि जो हजरात सादात इस वजह से अपने रिश्ते जवान बिठाए रखते हैं, अपनी बेटियां बिठाए रखते हैं कि जनाब हमें रिश्ता कोई नहीं मिल रहा, हम क्या करें, हम सैयद घराना कोई है नहीं, बाहर नाजायज है, इनका निकाह हो नहीं सकता, तो ये गलत बात है। शरीयत में निकाह जायज है, निकाह हो सकता है। हाँ, ये गलत फहमी कि हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाए कि उन्होंने इस निकाह को हराम लिखा है, कोई हराम नहीं लिखा, मैंने इस पर पूरी किताब लिखी है, नामो नसब में उस मेरी किताब का नाम है, उसमें पूरी बहस की है, और मैंने इस मौजू पर उलमा से कहा है कि जिस शख्स को इसमें शक है वो मुझसे गुफ्तगू भी कर सकता है, मैं हाजिर हूं, टीवी पर कर सकता है, वैसे बैठ के कर सकता है, जिसको इख्तिलाफ है वो कर सकता है, और अपनी जगह बैठकर एतराज करने का और फूंक और गुस्सा चढ़ाने का फायदा कोई नहीं है। तो पीर मेर अली शाह साहब ने जो फतवा दिया था वो इगवा का केस था। मुगविया जो है वो तो किसी वजह से नहीं हो सकता कि किसी की लड़की को आप घसीट के ले जाएं, तो ये तो तौहीन है उनकी। तो पीर साहब का जो फतवा है वो एक मखसूस इस्तिफ्ता की सूरत में है, वो मुतलक हुक्म नहीं है कि शरीयत का कि जनाब इनके रिश्ते ही नाजायज है, बार दे नहीं सकता। तो अगर ये इस्तिफ्ता की सूरत में है, वो मुतलक हुक्म नहीं है कि शरीयत का कि जनाब इनके रिश्ते ही नाजायज है, बार दे नहीं सकता। तो अगर ये बात है तो फिर आप देखेंगे कि हमारी उम्मत मुसलमा में इतने इतने बड़े अकाबिर के जो रिश्ते हैं, इतने इतने औलिया अल्लाह जो पैदा हुए हैं, तो उनकी जो माएं हैं वो सैयदा हैं, सैयदजादियां हैं, और उनके बाप जो हैं वो सैयद नहीं है, तो उनकी एक तवील फहरिस्त है। अगर जो इनको हराम कहते हैं, फिर उनके नजदीक वो लोग किधर जाएंगे, उनका नसब क्या होगा, जब निकाह ही नहीं हुआ तो फिर वो उनकी हैसियत क्या मुतय्यर होगी, वो क्या होंगे, आप उनको क्या कहेंगे। तो इतना जुल्म ना करें, नसब के घमंड में आप शरीयत को ना ठुकराएं। मैं इस पर एक शेर अर्ज किया था कि टक्कर न ले नबी की शरीयत से होश कर, दोजख में झोंकती है ये ठोकर लगी हुई। कॉलर की जाने